हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी रिएक्ट जेएस या फिर नोड जेएस की एप्लीकेशन को फ्री में होस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है तो बहुत सी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आएंगे, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है गिटहब पेजेस। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है गिटहब पेजेस। इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं गिटहब पेजेस। यहाँ पे आप अपनी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, या फिर कोई आपने HTML और CSS की मदद से भी, या फिर कोई JavaScript के फ्रेमवर्क की मदद से भी एप्लीकेशन को क्रिएट किया होगा, तो उस वेबसाइट को आप जो है GitHub पेजेस पर होस्ट कर सकते हैं। GitHub पेजेस का मतलब क्या है? नॉर्मली देखिए, आपका जो GitHub का अकाउंट होता है उसी को जो है एज अ होस्टिंग ये यूज करता है। कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे हमको एक न्यू जो है डोमेन मिलता है, आप इसका कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हैं। नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको सिंपली एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है और उस रिपोजिटरी का आपको नाम रखना है जो भी आपका GitHub का अकाउंट नेम है। जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में है techinfo-youtube, तो सेम इसी नाम से मेरी रिपोजिटरी को स्टार्ट होना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सेम नेम से जो है ये स्टार्ट होना चाहिए। उसके आगे आपको .github.io यहाँ पर ऐड करना है। मोस्टली अगर आपने npm के पैकेजेस देखे होंगे ना, तो npm के पैकेजेस क्या करते हैं, कोई भी जो है होस्टिंग को बाय नहीं करते, उसके बदले ये क्या करते हैं, डायरेक्ट गिटहब होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, हम npm.js पे भी विजिट कर लेंगे, npm.js.com, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकॉन्स। इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, देखिए रिएक्ट आइकॉन्स, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका होम पेज है, आप इसके होम पेज को ओपन करिए। यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक मिलेंगी, पहले मैं ओपन करके बता देता हूँ। इसके होम पेज के हमको एक लिंक मिलेंगी, देख सकते हैं आप react-icons.github.io। तो इस रिपोजिटरी का नाम भी क्या है, रिएक्ट आइकॉन्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम नाम है रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ पर भी अकाउंट का नाम सेम है, उसके आगे github.io लिखा। उसके बाद में आप कोई भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये एक वेबसाइट है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप कोई भी स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशन को ये सपोर्ट नहीं करता, इनकेस अगर आप फायरबेस का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायरबेस को ये सपोर्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा मिनिमल आपको कॉन्फ़िगरेशन उसमें करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली जो है बिल्ड फोल्डर को भी यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको कस्टम डोमेन चाहिए तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, कैसे आप GitHub पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपल एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है जिसमें आपका यूजर नेम होना चाहिए, जो आपका यूजर नेम है उसके आगे आपको सिर्फ .github.io कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये GitHub पेजेस बन जाएगा। और क्या क्या ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, गाइड्स पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको सारा का सारा सेटअप मिल जाएगा, कैसे आप जो है GitHub पेजेस को सेटअप कर सकते हैं। काफी ईजी है और फ्री भी है। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उसमें कुछ स्टैटिक कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, गिटहब पेजेस का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके पास लैंडिंग पेज है तो उसको भी आप यहाँ पर डिप्लॉय करके क्लाइंट को शो कर सकते हैं, या फिर एज अ रिज्यूम में भी आप जो है गिटहब पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर है अपने पास Netlify। आप इसको भी गूगल में सर्च कर सकते हैं Netlify। इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देख सकते हैं डेवलप एंड डिप्लॉय वेबसाइट एंड एप्स इन रिकॉर्ड टाइम। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा, और स्टार्टिंग में आप जो है प्राइसिंग पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या क्या प्लान इस पर अवेलेबल है। तो आप इसका स्टार्टर प्लान यूज कर सकते हैं जिसमें आप फ्री में जो है 100 GB तक के जो है डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, और 300 बिल्ड्स आपको मिल जाते हैं मिनट्स में। अगर आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस है या फिर नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है तो आप इसीलिए जो है Netlify का इस्तेमाल करिए। सर्वर साइड के लिए इतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जेएस में अगर आपके पास फुल स्टैक एप्लीकेशन है तब आप जो है Netlify का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन कौन सी वेबसाइट को आप जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं मोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एप्लीकेशन को यह सपोर्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर इसमें एंगुलर, गेट्सबे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद में CMS है ये सारे, और क्या है इसमें नेक्स्ट जेएस है, देख सकते हैं आप। नोड जेएस को सपोर्ट नहीं करता आई थिंक, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, एक बार देख लेते हैं नोड जेएस।
तो Node.js को ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपकी Node.js की एप्लीकेशन है तो Netlify उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको जो है दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पर उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास Next.js के अंदर जो है डेटाबेस की फंक्शनैलिटी है या फिर फुल स्टैक एप्लीकेशन है तो इजीली आप जो है Netlify का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में काफ़ी अच्छा अपटाइम आपको इसमें देखने मिल जाता है। और लेटर अगर आपको प्लान को बाय करना है तो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, फ्री इनफ है। अगर आपको जो है रिज्यूम के लिए चाहिए या खुद का पोर्टफोलियो आपको होस्ट करना है तो आप जो है उसके लिए Netlify का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है Vercel। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, Vercel इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप Vercel डेवलप प्रीव्यू शिप। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है vercel.com। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री में अपने कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें भी प्राइसिंग है, लेकिन अगर आप एज अ हॉबी प्रोजेक्ट या फिर रिज्यूम के लिए देख रहे हैं तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई छोटा प्रोजेक्ट है जो कि आपको डिप्लॉय करके बताना है क्लाइंट को, तब भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें हमको हॉबी का एक प्लान मिलता है जिसमें आपको कोई भी जो है चार्ज नहीं देना है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस पर अकाउंट बना सकते हैं और कोई भी जो है अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 35 प्लस फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करता है। Node.js के एप्लीकेशन को भी अगर आपको होस्ट करना है तब भी आप जो है Vercel का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़े से कस्टम सेटिंग्स करने पड़ते हैं। इसकी एक अलग से जो है आपको Vercel JSON की फाइल को क्रिएट करना पड़ता है और उसमें आपको सारे स्टेप बताना पड़ता है कि कौन सी एप्लीकेशन को आप होस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, React.js की वेबसाइट है या फिर Next.js की एप्लीकेशन है ना, उसमें इतना कुछ सेटअप नहीं रहता है, लेकिन जैसे आपका जो है सर्वर चेंज हो जाता है ना तो फिर आपको जो है Vercel JSON में थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गूगल पे जाता हूँ, सेकंड टैब में मैंने गूगल को ओपन किया और यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं Vercel Node.js JSON फाइल, इतना लिख के आप सर्च करिए और बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, नीचे स्क्रोल करिए, कुछ इस तरीके से आपको जो है Vercel JSON की फाइल को क्रिएट करना पड़ता है और उसमें सारे पाथ, राउट और जो भी आपका एप्लीकेशन नेम है, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ते हैं, तभी जो है Vercel पे आपकी Node.js की एप्लीकेशन डिप्लॉय होंगी, वरना आपको 404 का इसमें इशू देखने मिलेगा। आपकी जो भी वेबसाइट है या फिर सिर्फ आप बैकएंड भी इसमें यूज़ कर रहे हैं API के लिए, तब भी वो काम नहीं करेगा। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन में अगर आप जाएंगे ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इस इंटीग्रेशन मेन्यू में देखिए यहाँ पे बहुत से जो है लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। वन बाय वन सभी को देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप जो है इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है जो कि मॉडर्न डे में यूज़ हो रही है, स्पेशली अगर आप रिएक्ट JS या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है Vercel। इसको आप जो है प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में हर चीज़ के साथ में इसकी कनेक्टिविटी है, जैसे कि NoSQL के लिए MongoDB Atlas और भी बहुत सारी चीज़ें सुपरबेस। अगर टेस्टिंग या फिर एज अ हॉबी प्रोजेक्ट्स भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं ना मल्टीपल CMS के साथ में, तो सारे CMS भी इसमें मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर डेटाबेस में DynamoDB भी है, यानी AWS पे भी डिप्लॉयमेंट का टेंशन नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। डेव टूल्स में देखिए AWS है और भी जितने भी पॉपुलर है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं आप। CI/CD पाइपलाइन के लिए टेराफॉर्म भी है इसमें, फिर लॉगिन है, मैसेजिंग के लिए देखिए स्लैक को भी जो है ऐड करके रखा है, तो आप स्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉनिटरिंग के लिए देख सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड इशू है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट का सारा कोड मिल जाएगा। जैसे हमने Node.js के लिए सर्च किया था ना, Vercel JSON की फाइल जैसे हमने ऐड किया है यहाँ पर, देख सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। तो इसी तरीके से आप गूगल करके जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ये नहीं लेता है Node.js के लिए। बाकी अगर आप Next.js की एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, विद इन फ्यू स्टेप में जो है ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये Vercel ने ही Next.js को बनाया है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है React के साथ में उसका। तो आप Next.js या फिर React.js की एप्लीकेशन के लिए Vercel का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है Cyclic। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, Cyclic इतना लिख के गूगल पे सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, देखिए cyclic.sh, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट और इजी है इसमें कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 एप्लीकेशन इस पर डिप्लॉय है, मैं लिंक आपको जो है आई बटन पे शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको देखना है। मैंने इस पर जो है मर्न स्टैक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है, खाली Node.js एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय किया है। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूजेज बेस इसमें लगता है, या फिर फ्री प्लान है आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप फ्री फॉर एवर।
इसमें आप जो है एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, नो एक्टिविटी डिले, ये सारी बोलने की बातें। फ्री वर्जन है तो इसमें आपको डिले तो देखने मिलेगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर रैम मिलती है 1 GB की, फिर ड्यूरेशन सेकंड, तो ये सारी फ्री में तो ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। इसमें सपोर्ट देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, गो लैंग्वेज का भी इसमें सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना वर्सेस हीरोको, देखिए हीरोको भी पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हीरोको जो है फ्री नहीं है, उसके लिए आपको जो है पे करना पड़ता है। तो हीरोको का अल्टरनेटिव है साइक्लिक। साइक्लिक में आप क्या कर सकते हैं, नोड जीएस, जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क आप इजीली यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स। ज्यादा इसमें सेटअप नहीं है, ज्यादा कस्टम आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए क्या क्या चीजें इसमें, आप नीचे स्क्रॉल करिए, सारी फंक्शनैलिटी ये आपको बता देगा। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, अपने गिटहब अकाउंट से इसमें लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन साइन अप सेम जो है आप गिटहब से कर सकते हैं। जैसे लॉग इन और साइन अप हो जाएंगे, उसके बाद में रिपोजिटरी को आपको एक्सेस देना है, और जैसे आपकी गिटहब से कनेक्ट होगा तो फिर डायरेक्टली आप जो है इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर कस्टम डोमेन तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप फ्री में जो है अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। डॉक्स पर क्लिक करेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करता है। और अगर आपको डायरेक्टली भी अगर देखना है ना, तो आप डायरेक्टली जो है गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे भी आपको जो है डायरेक्ट जो भी लैंग्वेज आपको डिप्लॉय करना है ना, मान लीजिए जो भी फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी को आपको डिप्लॉय करना है, उसका डायरेक्ट ट्यूटोरियल आपको देखने मिल जाएगा। सो मेक श्योर साइक्लिक को भी एक बार जरूर ट्राई करें। जो भी आपकी हॉबी प्रोजेक्ट्स है या फिर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसका अप टाइम भी अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू जो है डैशबोर्ड की मदद से मॉनिटर भी कर सकते हैं, और डैशबोर्ड भी इसका ठीक ठाक है, काफी कुछ आपको इसके अंदर एनालिटिक्स मिल जाता है। तो लास्ट में नंबर 1 पर है रेंडर। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रेंडर फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप render.com, इसको ओपन करिए। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री में अपनी कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। काफी फास्ट है और काफी ईजी है, ये साइक्लिक से भी ईजी है। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग चेक करेंगे तो देखिए इंडिविजुअल प्लान आपको मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो या फिर जो भी आपको जो है एज अ हॉबी प्रोजेक्ट्स है ना, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। काफी सारी चीजें इसमें भी मिल जाती है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फ्री इनफ है, और इसके ऊपर भी मेरे पास ट्यूटोरियल है, अगर आपको देखना है तो लिंक मैं आई बटन पर ऐड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए पोस्टग्रेस का भी इसमें सपोर्ट है, रेडिस का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे केस में फुल स्टैक एप्लीकेशन है, तो आप वेब सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है नोड जेएस की एप्लीकेशन, रूबी ऑन रेल्स और जेंगो, और मोस्ट पॉपुलर है PHP। तो ये सारी एप्लीकेशन को आप इजीली जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई दूसरी एप्लीकेशन है, मोस्टली तो यहीं से है, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, इन्हीं में से कोई एप्लीकेशन होगी, फिर भी अगर कोई भी एप्लीकेशन होती है तो वापस से आप डॉक्स पे आइए, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद में डॉकर भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और जो भी जितने भी मॉडर्न यहाँ पर डेटाबेस हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, और काफी क्लिक्स के अंदर जो है ये सारा सेटअप हो जाता है। अगर आपको देखना है तो आई बटन पे मैं जो है इसकी भी लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी हमने 2 से 3 प्रोजेक्ट को जो है डिप्लॉय किया हुआ है, और परफेक्टली वो काम कर रहे हैं, उसमें भी आप जो है इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमने बर्नस्टैक प्रोजेक्ट्स को इसमें डिप्लॉय किया हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थे टॉप 5 फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो अभी के टाइम पे एक्टिव है, और जो कि आपको जो है अच्छा खासा अप टाइम दे देते हैं। इसके अलावा भी बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन ये ट्रस्टेड है, और इसमें देखिए फ्री और पेड दोनों प्लान है, तो आप जो है इजिली जो है स्विच कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको बाद में पेड प्लान पे स्विच होना है, तो आप इजिली जो है स्विच हो सकते हैं। बाकी जो टोटल फ्री आते हैं उस पर जो है थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू रहता है, और अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसका डेटा भी लीक हो सकता है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इशू रहते हैं। तो मेक श्योर अपना फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म वाइजली सेलेक्ट करें। मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में।